टीवी एक्ट्रेस नलिनी नेगी के साथ मारपीट का बड़ा मामला सामने आया है। नलिनी ने अपनी रूममेट प्रीति राणा और उनकी मां पर मारपीट का आरोप लगाया है। हाल ही में जब एक्ट्रेस की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें उनका चेहरा बुरी तरह से खराब दिख रहा है। खबरों के मुताबिक नलिनी ने दोनों के खिलाफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज करवाई है। एक इंटरव्यू में नलिनी ने बताया कि उनकी दोस्त प्रीति ने रिक्वेस्ट की कि कुछ दिन नलिनी उसे अपने साथ रख ले ताकि वो तब तक घर ढूंढ सके। प्रीति कुछ दिन नलिनी के साथ रही, लेकिन फिर एक्ट्रेस ने प्रीति को घर खाली करने के लिए बोल दिया क्योंकि उनके पेरेंट्स कुछ दिन रहने के लिए आने वाले थे। नलिनी ने बताया कि जब मैंने प्रीति से घर खाली करने को कहा तो कुछ दिन बाद उसकी माँ भी वहाँ रहने आ गई। मुझे लगा वो शायद घर शिफ्ट करवाने के लिए आई है, लेकिन पिछले हफ्ते जब मैं जिम जा रही थी प्रीति की माँ ने मुझसे अचानक झगड़ा शुरू कर दिया इतना ही नहीं, उन्होंने प्रीति से बोला कि मैं उनसे बदतमीजी से बात कर रही हूँ। मैंने कोशिश की मैं उसे कुछ समझा सकूं, इतने में उसकी माँ ने मुझ पर हमला कर दिया। उन्होंने पहले मुझे ग्लास से मारा, फिर दोनों ने मिलकर मुझे बुरी तरह पीटा। उन्होंने लगभग मुझे जान से मारने की कोशिश की। नलिनी के मुताबिक प्रीति और उसकी माँ मेरा चेहरा खराब कर देना चाहती थी क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस हूँ। फिलहाल नलिनी के माता पिता उनके साथ हैं। बता दें कि नलिनी टीवी शो नामकरण, फॉरस समेत कई शोज में काम कर चुकी है। नलिनी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर फैंस के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। टीवी और बॉलीवुड गलियारे से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट गॉसिप्स के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए फिल्मी पंचायत। शुक्रिया।